कांग्रेस का वचन पत्र नारी सम्मान योजना के तहत पीपल झोपा में रविवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक सहित तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद हुए। इस दौरान पीपल झोपा सहित आसपास के कई ग्रामों के लोग, सरपंच पटेल सहित महिला एवं पुरुष इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में नारी सम्मान योजना के फॉर्म भरे गए। इसके अलावा कांग्रेस के पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। केदार डावर ने अपने भाषण में कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी। महिलाओं को हर माह 1,500 रुपए और गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिए जाएंगे। कांग्रेस सरकार का वचन पत्र है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने यह वचन पत्र जारी किया है। विधायक डावर ने कहा, कांग्रेस जो भी घोषणा करती है उसे पूरा करती है। कांग्रेस प्रवक्ता मुख्तार शेख ने भी नारी सम्मान योजना को लेकर बात कही। इसके अलावा प्रदेश महासचिव डॉक्टर कमू जालदा ने भी उद्बोधन में कांग्रेस के वचन पत्र में नारी सम्मान योजना को लेकर समझाई थी। इस कार्यक्रम में देवनारायण ठाकुर, गंगाराम सोलंकी, पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष सिलदार पटेल, रमेश मालविया, काबरी कुंवर सिंह पटेल, दरियाव नायक, भगवानपुरा अल्पसंख्यक अध्यक्ष अब्दुल कादर खत्री, कांग्रेस प्रवक्ता मुख्तार शेख, बियान सिंह पटेल, सिरवेल ब्लॉक अध्यक्ष विकास सेनानी आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रतीक पवार ने किया। आभार पूर्व सरपंच सुरेश बडोले ने माना। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। हमारी माताएं बहनें हैं जो 18 साल से ऊपर हैं और इस ब्लॉक में पिछले 2-3 महीने से, मार्च के बाद से, जो लाडली बहना योजना के नाम से आपसे फार्म भराए थे, आज माताएं बहनें जो सुन रही है, सुने उनके परिवार वाले सुने, जो फार्म भराए थे, आपकी केवाईसी लाओ, लाइन में लगाओ। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।